नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंगो प्री हार्वेस्टिंग स्टेज में ओलावृष्टि और तेज हवा आम को बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। अब प्रकृति के ऐसे प्रकोप को रोक पाना तो हमारे वश में नहीं है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान से बचाव हम जरूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ऐसे मौसम में होने वाले नुकसान। ओलों की मार से फलों में दाग धब्बे छेद और गड्ढे हो जाते हैं, यहाँ तक कि आम समय से पहले ही टूट कर गिर जाते हैं। ओलावृष्टि और तेज हवा वातावरण में नमी की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं, जिससे एंथ्राक्नोस और पाउडरी मिल्डियो जैसे फंगल बीमारियों का आक्रमण भी बढ़ जाता है। और तो और, कटाई के बाद भी आम के सड़ने का खतरा बना रहता है। इससे आम की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, मतलब फल को ज़्यादा समय तक स्टोर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओलावृष्टि या फिर तेज आंधी तूफान सीधे फल को नुकसान पहुँचाने के अलावा आम के पेड़ों को भी नुकसान पहुँचाता है। इससे पत्तियाँ छिल जाती हैं और फसल के लिए स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। ओलावृष्टि से स्वाद में कमी आ जाती है। इस तरह के आम ऑप्टिमल टाइम में उगाए गए आम की तुलना में कम रसीले और मीठे होते हैं। इन सभी वजह से ये क्षतिग्रस्त आम खरीदार को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, जिससे कि किसान की कमाई में कमी हो जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सेफेक्स लेकर आया है हल्ला बोल और रैटल, जो आपको देगा सुंदर और चमकदार आम का फल, वो भी खराब मौसम होने के बावजूद भी। ये सिर्फ फंगल बीमारियों को ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि फसल की अच्छी सेहत और अच्छी पैदावार भी सुनिश्चित करता है। ये फलों में लंबे समय तक मॉइस्चर को बनाए रखता है, फलों को सूखने नहीं देता, जिससे लंबे समय तक फलों में ताजगी बनी रहती है। फसल की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे फल गिरने की समस्या भी कम हो जाती है। यहाँ तक कि हार्वेस्टिंग के बाद जो फंगल बीमारियाँ लगने की संभावना होती है वो भी खत्म हो जाती है, और फल भी लंबे समय तक फ्रेश और तरोताज़ा रहता है। अब इतने सारे फायदे होंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी और हमारे किसान भाइयों को अच्छी कमाई भी होगी। सेफेक्स का हल्ला बोल और रैटल ले आएं और बेमिसाल फल पाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।